Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today our topic will be problem solving and psychology. First, we will know what is problem solving. As we know, we face problems in our daily lives. The problems can range from simple to complex, and one problem can be solved through many ways. and we face a uh, we face certain times with problem that we cannot find any solution immediately. so here we will discuss ways how we can solve problems or how we can uh, come to conclusion or come to solution of any problem. हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है इनी रोजमर्रा की जिंदगी में. शायद कभी-कभी अभी इन हम कोई मुझे कोई किताब चाहिए होगी गल में पड़ी होगी लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही होगी अब ये ढूंढना उस किताब को ढूंढना ये भी एक मसला है और उसको हल हल करना ये भी मुझे इन्हीं इस प्रॉब्लम को मुझे अभी सॉल्व करना है इस तरह बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं यानी जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं अभी मैथ्स का प्रॉब्लम को क्वेश्चन को सॉल्व करना ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हमें हमारे सामने आते रहते हैं लेकिन साइकोलॉजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवॉल्व अ सीरीज ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ब्रेकिंग इट एंड टू पार्ट्स एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स यानी एक प्रॉब्लम को उसको एनालाइज करना पहले किस तरह का प्रॉब्लम है अभी मुझे कैसे आगे बढ़ना है ब्रेकिंग इट एंड टू कम्पोनेट पार्ट्स एक प्रॉब्लम को अभी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना कि प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो जाए उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स और अभी इस प्रॉब्लम में मुझे सबसे पहले कौन सा गोल अचीव करना है फिर दूसरा फिर तीसरा यानी आखिर में मुझे तक जाना ही नहीं किस तरह मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की यानी दो अप्रोचेज़ है एक को अलगोरिथम एंड एक को ह्यूरिस्टिक्स ये अभी हम आगे पढ़ेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मेथड्स हैं इन किस तरीक़ों से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक है सिस्टमेटिक सर्चिंग ट्रायल एंड एरर डिफरेंस रिडक्शन मीन एंड एनालिसिस वर्किंग बैकवर्ड एंड यूज ऑफ एनोलॉजी अभी ये हम सारे मेथड्स अभी हम एक एक आगे पढ़ेंगे मेन आइडिया इसमें ये है कि हम प्रॉब्लम को यानी प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इन लॉजिकल एंड प्लेट वेज अचीव द बेस्ट रिजल्टलॉजिकल एक रीजनिंग के तरीके से भी हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे एंड प्लान हम उसको प्लान करें कि अभी मैंने पहले ये, ये करना है फिर बाद में ये करना है इस तरह हम सोल्व करेंगे अच्छा इस आ, सारे लेक्चर में हमारी जो फोकस होगा वो अप्रोचेज ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग केोचेज है एल्गोरिथम एंडस्टिक्स ऑफ और फिर मैथर्स ऑफ कौन कौन से है प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो ऑब्सटिकल जो रुकावटें आती है वो वो कौन कौन सी है ये हम सब अभी आगे पढ़ेंगे अच्छा पहली जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम इन किस तरह उसको लेंगे एक प्रॉब्लम को तो पहले जो है अल्गोतम है अलगोरितम वो मेथड है जब हमारे सामने कोई मसला आता है तो जो इन एक सोलूशन अभी किसी किस्म किसी प्रॉब्लम का जो होता है और ए, और वही राइट सोलूशन इज ऑफ दैट प्रॉब्लम सो वी यूज सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड अलगोरिम यही अलगोरजम का जो यानी जो हमें सोलूशन देता है वो तकरीबन अक्सर सही होता है और इसके मिसाल है जो मैथमेटिकल फार्मूलाज़ है अगर कोई सवाल एक फार्मूला पे गिवन है तो हम अगर वो फार्मूला उस पर अप्लाई करें तो सवाल हमें उसका जवाब सही आता है तो अलगोदितम को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फिर है हीस्टिक्स यानी वो हमें इन एग्जैक्ट राइट जवाब देता है लेकिन बाजात वो हमें नहीं देता और प्रैक्टिकल भी नहीं होता क्योंकि मसले आपको सिर्फ मैथमेटिकल नहीं आते दुनिया में जो आप फेस करते हैं बल्कि मसले और भी कॉग्नेटो लेवल पे होते हैं लेवल पे और भी यानी बार बड़े बड़े मसले को इंसान को सामने आते हैं सो so, इसलिए हम पे बाज़ात ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूरिस्टिक्स की कैंड ऑफ रिप्रजेंटेटिव अवेलेबिलिटी एंड एन करेंगे तो वो हमने पढ़ी थी पिछले पिछले लेक्चर को फिर देख ले ह्योरस्टिक्स को अगर किसी ने समझना हो तो हीस्टिक्स में इन रूल्स ऑफ थंब यानी जो पहले आपको सही मसला सामने सही हल यानी आपको सामने आए या कोई जहाँ कोई हल जो बहुत बार बार इस्तेमाल हुआ हो और सही तरीके से इस्तेमाल हुआ हो या आप पिछली ए, पिछला यानी एक मसला आपको अभी आया है और पिछली दफ़ा भी इस तरह मसला आया था तो फिर आप जाहिर है लाजमी उसी की तरफ जाएंगे उसी को उसी हल की तरफ जाएंगे जो पिछली बार आपने किया था Heuristics के जरिए शॉर्टकट्स भी होते हैं और फास्टर एल्गौरित्म के एल्गौरित्म से लेकिन हम इस अक्सर यकीन नहीं कर सकते कि यही ठीक जवाब होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में जो पहला है ट्रायल एंड एरर। इट इज सिमिलर टू सिस्टमेटिक आपको एक सवाल दिया गया हो या कोई और मसला आपके सामने दर, पेश हो अभी आप उसको एक तरीके से आपने हल किया वो जवाब गलत फिर दूसरे तरीके से हल किया आपने यानी वो जवाब गलत फिर तीसरे तरीके से शायद सही जवाब आ जाए यानी आप ट्राई करते हैं और अगर गलत आता है तो फिर आप दूसरी ट्राई करते हैं ट्राइल एंड एयर का ये मतलब है फिर है डिफरेंस रिडक्शन डिफरेंस रिडक्शन का मतलब ये है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का कि हमने जो गोल आइडेंटिफाई किया है कि हमने उस मकाम तक पहुंचना है उस गोल को हासिल करना है तो हमें इन उस गोल को अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमने जितना प्रोग्रेस किया है उसके लेवल को हमने रिड्यूस करना है यानी उस प्रॉब्लम को हमने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना है और एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाना है यानी अभी हमारा फोकस वो एंड गोल नहीं होना चाहिए वो एंड गोल तो होगा लेकिन उस एंड गोल से पहले जो सब गोल्स है जो सब स्टेप्स है हमने सबसे पहले उनको अचीव करना है फिर वो हमें उस जो अल्टीमेट गोल है जो एंड गोल है उसकी तरफ हमें नज़दीक लेके जाएंगे मीन्स एंड अनैलिसिस मीन्स एंड अनैलिसिस में हम कुछ चीज़ें करते हैं यानी जो चीज़ें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं वो हाँ वो मीन्स होते हैं और जो रिज़ल्ट उनका होता है वो वो उसको हम कहते हैं एंड यानी वो उसका एंड होता है तो इस पे पर हमारा जो फोकस uh, होता है जो एम्पेस हो जो जोल होता है वो हम इस पर करते हैं कि जो एक्शन अभी हम करेंगे यानी इसका रिज़ल्ट क्या होगा यानी हम उस रिज़ल्ट को देखते हैं फिर हम वो काम करते हैं उसकी तरफ फिर हम बढ़ते हैं आगे वर्किंग बैकवर्ड अभी वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम यानी आगे की तरफ जाएंगे फॉरवर्ड लेकिन बाज़ बाजात कोई मसला उस तरीके से हल हो हल नहीं हो रहा होता है तो फिर उससे हम ये काम करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को एक एक देखते हैं यानी हर पार्ट को हम अलहदा डील करते हैं इसमें भी हम इन एंड गोल की तरफ नहीं देखते बल्कि जो पार्ट जो स्टेप अभी हमने करना होता है हमें हमारा जो सारा फोकस होता है वो उसी की तरफ होता है और ये मेथड उस वक्त यूज़फुल होता है जब आपका गोल यानी आपको पता है कि ये हमारा गोल है लेकिन इसको अचीव कैसे करना है वो मेथड आपको नहीं पता एनॉलोजीज़ एनोलॉजीज भी एक मेथड है एनालॉजी कहते हैं जब आप सिमिलरिटी दो या दो से ज़्यादा आइटम्स की यानी एक दूसरे से सिमिलर देखते हैं तो जब इन्हें एक प्रॉब्लम आपको पेश आ जाए और उससे जुड़ा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसके से जुड़ा एक और एग्जांपल भी हो मिसाल के तौर पर या और मिसाल भी मौजूद हो तो आप उन दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है ये हमेशा इन ही सक्सेसफुल होता है यानी इस किस्म के जो आ, जब हम किसी दो चीज़ों को सिमिलरिटी में उसमें देखते हैं उसकी कंपेरिज़न करते हैं और फिर उस सिचुएशन को एसस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अच्छा अब ऑप्स्टेकर्स यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो रुकावटें हैं इंसान के सामने जो आती है वो क्या है पहला है मेंटल सेट्स अच्छा मेंटल सेट ये है कि हमारे हम जो प्रॉब्लम जब किसी को सॉल्व करते हैं और जब नया मसला आ जाए तो हम यानी हमारा जहन में ये होता है कि जो पिछला मसला जिस तरह हमने हल किया अभी नया मसला भी जो नया प्रॉब्लम आया अभी हम उसी तरह उसको भी हल कर लेंगे लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता जब नया मसला सामने आता है तो फिर आपको उसको तो डून, हल ढूंढने के नए तरीके अपनाने होंगे नए प्रोसीजर को अपनाना होगा तो जो मेंटल सेट हमारा बना होता है कि ये जो प्रॉब्लम है नया प्रॉब्लम आया है अभी मैं इसको इन वही पुराने तरीके से उसको हल कर लूँगा तो ये एक मसला आता है एक रुकावट आता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फिर है फंक्शनल फिक्सडनेस फंक्शनल फिक्सनेस का ये मतलब है कि आप इन्हें एक चीज़ का इन्हें एक आप मिसाल के तौर पर उठा लें एक बल पॉइंट को और आप फंक्शनल फिक्सनेस उस आदमी का होगा जो ये समझ समझ रहा होगा कि बल पॉइंट का, का काम सिर्फ और सिर्फ लिखना है हालांकि बल पॉइंट से हम इन्हें बहुत सारी चीज़ें उसको बहुत सारी और तरीक़ों के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसको एज ए पैमाने भी जब हमारे पास कोई फुट ना हो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसको और भी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं बल पॉइंट को इन्हीं और मुख्तलिफ जगहों में ये हमारे काम आ सकता है बल पॉइंट लेकिन जो फंक्शनल फिक्सनेस वाला बंदा होगा वो इन्हें जिस यानी जो जो चीज़ जिस काम के लिए बना है मिसाल के तौर पर बनाया गया है वो ये समझ रहा होगा कि एक कि इस चीज़ का बस यही काम है इससे हम और काम नहीं ले सकते लेकिन जो क्रिएटिव बंदा होगा वो उस चीज़ से मुख्तलि काम ले सकेगा वो एक ही चीज़ से यानी चीज़ एक ही किस्म की होगी एक ही काम के लिए बनी होगी लेकिन वो उससे मुख्तलिफ काम ले सकेगा तो जो फंक्शनल फिक्सनेस वाले बंदे होते हैं उसको वो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी सी बहुत सारी मुश्किलें आती है क्योंकि उनका जो माइंड है वो फिक्स होता है कि हम इस चीज से बस यही काम ले सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसमें पहली है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं जब आप यानी जो दुनिया में जो नई चीज़ें आ रही है आप उसके लिए फ्लेक्सिबल यानी उसको अपनाने में आपको मुश्किल ना हो आप कंजर्वेटिव ना हो बल्कि आप नई सिचुएशन को डिफरेंट चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू ओरिजिनल थिंकिंग यानी इंसान जो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग है उसको उस तक इंसान को पहुँचाती है रिकम्बिनेशन इज़ द मेंटल री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम यानी एक प्रॉब्लम है उसके कितने एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको री यानी एक पज़ल जिस तरह होता है ना एक पज़ल हमें गिवन होता है तो हम उसकी मुख्तलिफ उसकी शक्लें बनाते हैं उसको री अरेंजमेंट करते हैं और फिर हूँ प्रॉब्लम को उस पजल को सॉल्व करते हैं तो इस तरह रिकम्बिनेशन भी हमें इस तरह एक प्रॉब्लम को री करना होता है ताकि हमें हमारे पास मुख्तलिफ़ सिचुएशन आए और फिर हम सोलूशन की तरफ बढ़ सकें एनसाइट एंड एनक्यूबेशन एनसाइट कहते ही नहीं आपकी जो धूल की नज़र आप इसे कह सकते हैं आपकी जो माइंड में जो आपके किसी चीज़ का जो हल ढूंढ लेते हैं अभी आपने वो काम किया नहीं होता लेकिन आपके माइंड में आप उसको डायरेक्ट ही पिक करते हैं तो एन साइड हमें इन सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम ये हमें जो प्रॉब्लम का यानी अचानक या जो डायरेक्ट या फास्टर सोल्यूशन हमें देते हैं और इनक्यूबेशन कहते हैं यानी बाज़ अवकात बाज़ मसले ऐसे होते हैं जब आप उसके लिए बैठ रहे होते हैं उसको इन हल कर रहे होते हैं बैठने के लिए तो आपका जो उसका जो हल है वो नहीं आता लेकिन हम कोई ब्रेक कर ले यानी हम उससे कोई वक्फ़ कर ले उससे कहीं दूर हो जाए हम किसी और काम के में लग जाए लेकिन हमारा माइंड चूंकि माइंड तो यानी हर वक्त थिंकिंग में होता है थिंकिंग प्रोसेस में होता है और अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे वो मसला भी हमारे जहन में चल रहा होता है तो हम उसी सॉल्यूशन को यानी जो मसला जिसको अभी हमने छोड़ा हुआ है अभी आप उससे उठे हुए हैं उसको इन हल करने की बजाय आपने ब्रेक लिया है तो उसका हल जो है वो आपके सामने आता है तो इसको कहते हैं इनक्यूबेशन देट इज़ आल फॉर टूडे टुमारो यू वेल स्टडी दैन नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू देन और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए